गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सुधा आरोही में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे गाइस, एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने अपनी टी को रिस्टॉक करने के लिए टी का ऑर्डर किया था, तो वो ऑर्डर आ गया है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी टी अपने डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ गाइस। इन टीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है वेट लॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी टी आई है। तो जो सबसे पहली टी है वो है माचा टी। तो गाइज ये जो टी होती है ये एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक आपके लिए बेस्ट होती है। और आप मेक श्योर करें आप इस टी को मॉर्निंग टाइम में ही आप इसको कंज्यूम करें, बिकॉज ये हाई इन कैफीन होती है। तो अगर आप इसको रात में लेंगे तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी हाई रहे और आपको नींद ना आने में की प्रॉब्लम हो जाए। तो या गाइज फिर जो दूसरी टी है जो हमारी है वो है रोज़ उलोंग टी। तो गाइज़ ये जो टी है ये ना तो ग्रीन टी है ना ये ब्लैक टी है, ये बीच की टी है। ये आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, ये आपके जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बूस्ट करने में हेल्प करती है। ये आप अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की तरह भी आप इसको पी सकते हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में आपकी हेल्प करती है, या कभी कभी आपने कुछ ज़्यादा हैवी खाना खा लिया है और आपको डाइजेशन उसका अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप इस टी को ले सकते हैं। आफ्टर मील ये टी आपके लिए बेस्ट होती है। फिर जो नेक्स्ट टी है वो है हमारी मैरी गोल्ड टी। तो गाइज़ ये नॉर्मल ग्रीन टी है, ये इसमें जस्ट सिर्फ फ्लेवर के लिए मैरी गोल्ड डाले हुए हैं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट टी है वो है सैफ्रॉन कावा ग्रीन टी। सो गाइज़ ये जो टी है जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ये वाली ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ग्रीन टी बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि आपको अपनी ग्रीन टी कैसे बनानी चाहिए जिससे कि वो आपको प्रॉपर बेनिफिट दे, आपको कितनी उसका वाटर का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, आपको कितनी बार आपको दिन में आप ग्रीन टी ले सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी ग्रीन टी होती है वो अगर आप उसको अच्छी तरह से बनाएंगे तो वो आपको कभी भी कड़वी नहीं लगेगी। जो ग्रीन टी का जो टेस्ट होता है वो नेचुरली वो थोड़ा सा स्वीट होता है, आप उसमें कोई स्वीटनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप अपनी ग्रीन टी को अच्छे से बनाएंगे तो वो आपको कभी भी कड़वी नहीं लगेगी, आपको टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगेगा। तो जो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टी है वो है आपकी कैमोमाइल हर्ब टी। तो गाइस ये जो टी है ये हर्बल टी है, ये ग्रीन टी नहीं है, ब्लैक टी नहीं है। तो आप अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो आप इस टी को यूज़ कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस है तो ये आपको काम डाउन करने में आपकी हेल्प करेगी। फिर जो लास्ट में जो मैंने ऑर्डर किया था वो है टी ट्रंक का ये हिबिस्कस पेटल। तो गाइज आप इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं इन टीज़ को, इन पेटल्स को आप इनको एज अ आइस टी में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनकी आइस टी बना सकते हैं, इसका बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर होता है। तो गाइज या इस वीडियो में बस इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसी टी कब पीनी चाहिए, आपको वाटर का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।